सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रक्षित राज दिस साइड, एके द स्नो हिल ट्रेडर। ठीक है, सो बेसिकली ये है बैंक निफ्टी, और इस जो ये वीडियो जो ये सीरीज़ में भी बनाने वाला हूँ, ये बेसिकली आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को मैं किस तरह इम्प्लीमेंट करता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, बेसिकली इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, और किस तरीके से मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। सो जो भी लोग इस चैनल में नए हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। ठीक है, आई एम न्यू टू ऑप्शन सेलिंग। मैं बाइंग नहीं करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। बेसिकली मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, चार्ट रीडिंग स्किल्स जो भी मैंने ये सीखे हुए हैं, ये मैंने सारे आईसीटी से सीखे हुए हैं। सो बेसिकली 2 से 3 महीने मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंसी गेन कर लूँगा। ठीक है, आने वाले टाइम पर अभी थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर मेरा चला हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऑप्शन सेलिंग की, स्ट्राइक प्राइस वगैरह कैसे उठाने हैं कैसे नहीं। तो मैं आस्ते आस्ते मेरी जो प्रोग्रेस वगैरह होगी, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो बात करते हैं टेक्निकल्स की। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सीखने हैं, सो बेसिकली आप आईसीटी से खुद से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप आईसीटी सर्च मारोगे, तो आपको वहाँ पर उनका चैनल आ जाएगा, द इनर सर्कल ट्रेडर। ठीक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी जो भी मैंने लर्निंग्स की हुई है। तो दूसरी बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ, जो भी मैं चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, ये सारी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग से है। ठीक है, सो आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। ठीक है, आई डोंट गारंटी, और ना ही मैं कभी आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि ये चीज़ें वर्क करती है नहीं करती है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना भी है तो आप अपने रिस्क पे पढ़ेंगे, और अगर आपको नहीं पढ़ना है, सो भाई आपकी इच्छा है, आप वीडियो को यहीं से छोड़ सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज़ दी लेक्चर नंबर 1, बेसिकली लिक्विडिटी। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को स्टार्ट करना है बेसिकली आईसीटी, जब आपको शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ होती है आपकी मार्केट स्ट्रक्चर, एंड सेकंड चीज़ आती है आपकी लिक्विडिटी। ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को हम कैसे कंबाइन करते हैं, तो इस लेक्चर में हम वो चीज़ें सीखने वाले हैं। तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप एकदम बिगिनर हो। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो आपके पास एक चार्ट खुला हुआ है, राइट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। तो आपको यहाँ पे अभी प्राइस क्या करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो बिगिनर होगा उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। अगर आप देखोगे तो प्राइस कुछ ऐसा आपको दिखेगा, फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा करता हुआ दिखेगा, पहले ऊपर जा रहा है, फिर कभी ऐसे फंस रहा है, राइट, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली जो भी एक बिगिनर होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या होता है। तो इसलिए हम मार्केट स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली मार्केट को हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिस स्ट्रक्चर में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, कोई 3 चीज़ें करता वो दिखेगा प्राइस, या तो ऐसे चलेगा, ठीक है, या तो आपको ऐसा करता हुआ दिखेगा, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और या तो फिर आपको ऐसा दिखेगा, और आपको कुछ भी करता हुआ नहीं दिखेगा प्राइस। बेसिकली ये सब चीज़ें करता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, जब प्राइस ऊपर को जा रहा है, लाइक प्राइस इज क्रिएटिंग हायर हाइस हायर लो हायर हाइस हायर लो हायर हाइस हायर लो हायर हाइस, तो जब ये जो ऐसा सीन आता है, तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड। और जब प्राइस कुछ ऐसा फंस जाता है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस साइडवेज हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। और जब प्राइस ऐसे नीचे को आता है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, जब ऐसे चलता है, तो इसको कहते हैं हम डाउन ट्रेंड। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, सो बेसिकली मार्केट को हम 3 डायरेक्शंस में देख सकते हैं, आइदर इट वुड बी अप ट्रेंड, या तो साइडवेज हो जाएगा, या तो फिर डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये चीज़ें आपको समझ कैसे आएगी, आपको चार्ट खोलना पड़ेगा, राइट। जैसे अगर आप देख रहे हो, तो जो थ्योरीज होती है, थ्योरीज में बहुत आसान होता है, बट एक्चुअल में ना इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले पोर्शन को देखोगे, तो दिस इज एन अप ट्रेंड, राइट, हायर हाई बना, राइट, देखो ये पे हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस क्या हो चुका है, साइडवेज हो चुका है। सो बेसिकली अब यहाँ पे प्राइस जो कि मेरे जो आने वाले एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस लोअर लोस बना के नीचे जाने वाला है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, या साइडवेज ट्रेंड में। ठीक है, सो अगर आपको और डीपली इस चीज़ की नॉलेज चाहिए, तो आप यूट्यूब पे आईसीटी को खुद देख सकते हो, उन्होंने और अच्छे से इसमें डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्लियर हो चुका है, अब आते हैं हम लिक्विडिटी पे। ठीक है, तो प्राइस हमेशा जब भी चलता है, वो लिक्विडिटी के ऊपर चलता है।
आइदर लिक्विडिटीज दो टाइप्स की होती है, बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं दो दो चीज़ों में, एक होती है आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक होती है आपकी इंटरनल लिक्विडिटी। सो लेट मी ड्रॉ यू समथिंग, लेट सपोज दैट द बुलिश ऑर्डर फ्लो इज बुलिश, ओके, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आई मीन कि ये बुलिश है। तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर को जा रहा है, ठीक है। सो अब बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी पता है कहाँ होती है, वो हमेशा आपको स्विंग हाइज और स्विंग लोज पे मिलेगी, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं हम बाय साइड लिक्विडिटी एरियाज, ठीक है। जो भी आपके स्विंग हाइज होंगे, ठीक है, जो भी आपका स्विंग हाई होगा वो कैटेगराइज होता है आपका बाय साइड लिक्विडिटी में, और जो भी आपके स्विंग लोज होते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रेंड के या किसी भी साइडवेज मार्केट के, कोई भी चीज़ जो भी स्विंग लो जो आता है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। स्विंग हाइज के ऊपर एग्जिस्ट करती है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी। आई होप आपको ये क्लियर है। तो मेरे को चार्ट में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिकली थोड़ा बहुत थ्योरी, थोड़ा बहुत मैं अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा तो आप लोगों के लिए ही आसानी रहेगी, राइट। सो ओके, सो यहाँ देखो ये ड्राइंग्स प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए अभी नहीं है, फ्यूचर में जब हम कंटिन्यू करेंगे तो तब आपको ये समझ आने वाला है। सो यहाँ देखो, इस पीस ऑफ प्राइस एक्शन के ऊपर नज़र डालो, ठीक है। आप बस यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके स्विंग हाइज और स्विंग लोज कहाँ कहाँ आपको दिख रहे हैं। एक स्विंग हाई मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये स्विंग हाई है, स्विंग लो एक ये है, ठीक है, ये भी देखो स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये भी स्विंग लो है, राइट, स्विंग लो, ये भी स्विंग हाई है आपका, स्विंग हाई, स्विंग हाई, ये देखो इसको भी हम स्विंग लो कह सकते हैं, ये भी स्विंग लो है, राइट, ये स्विंग हाई है। तो जो भी स्विंग हाइज है, ये देखो ये स्विंग हाई है, यहाँ पे भी स्विंग हाई है, ये भी, जो भी आपको स्विंग हाइज दिख रहे हैं इनके ऊपर एग्जिस्ट करती है बाय साइड लिक्विडिटी। तो प्राइस क्या करता है, जब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बेसिकली बाय साइड लिक्विडिटी, जब भी प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी में जाता है तो उसके बाद उसको मिटिगेट करना पड़ता है, ठीक है, या रिप्राइस करना पड़ता है इंटरनल लिक्विडिटी पे। एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी मैं आपको बाद में बताता हूँ, फॉर अभी आप बस इतना समझो कि स्विंग हाइज के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है और जो भी स्विंग लोज होते हैं, राइट, उसके नीचे एग्जिस्ट करती है सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, इतना क्लियर है। तो बस स्विंग हाइज और स्विंग लोज आपको इतना पता रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो स्विंग हाइज है, बाय साइड लिक्विडिटी, स्विंग लोज के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी। अब इसको कैटेगराइज करते हैं हम दो लिक्विडिटीज के ऊपर, ठीक है, एक होती है आपकी एक्सटर्नल, एक होती है आपकी इंटरनल। एक्सटर्नल आपकी वही होती है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। एक्सटर्नल में आपके दो आते हैं जो कि मैंने आपको बताया, सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। जो आपकी इंटरनल लिक्विडिटी होती है, इंटरनल लिक्विडिटी में आपके आते हैं फेयर वैल्यू गैप्स, आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज, आपके ऑर्डर ब्लॉक्स, आपके मिटिगेशन ब्लॉक्स, आपके ब्रेकर ब्लॉक्स, ऐसी सब टाइप की चीज़ें, ठीक है। सो अभी के लिए हम इंटरनल लिक्विडिटी छोड़ देते हैं, ये अगले चैप्टर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, बट फिलहाल आपको बस ये जानना है कि बाय साइड और सेल साइड बेसिकली एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो अब आ जाओ इधर, तो जैसे चार्ट ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटीज कहाँ कहाँ होगी। एक यहाँ पे थी बाय साइड लिक्विडिटी, राइट, ये स्विंग हाई है, ये भी आपका स्विंग हाई है, इसके ऊपर भी आपकी बाय साइड लिक्विडिटी होगी, ठीक है, और ये आपका स्विंग लो है, राइट, यहाँ पे भी सेल साइड लिक्विडिटी है, और अगर पीछे भी कोई स्विंग लो होता तो उसके नीचे भी सेल साइड लिक्विडिटी रेस्ट करती है। तो प्राइस पता क्या करेगा, जब भी हमारा जो ऑर्डर फ्लो होता है वो जब बुलिश होता है, ठीक है, जब भी ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश होता है तो प्राइस क्या करता है, प्राइस हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी को अटैक करता है, हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी को अटैक करेगा, रिट्रेस करेगा, उसके बाद फिर से जो उसने नई जियो जनरेट की होगी बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर वहाँ पे अटैक करेगा हमेशा, ठीक है। और जब भी हमारा जो ऑर्डर फ्लो है, राइट, वो जब भी बेयरिश होगा, बेयरिश, ठीक है, यानी कि ट्रेंड अगर आप कह लो, तो प्राइस हमेशा क्या करेगा, सेल साइड लिक्विडिटी का अटैक करेगा। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी बनी हुई है, इसको अटैक करेगा, रिट्रेस करेगा, फिर से यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी हुई है, इसको अटैक करेगा, फिर से रिट्रेस, सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। सो इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, जो भी ये स्विंग लोज भी बने, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक स्विंग लो बन गया आपका, तो इसके नीचे भी एग्जिस्ट करती है आपकी
एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट, और इसके ऊपर भी आपकी एग्जिस्ट करती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। बस आपको ये क्लियर करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पीछे जाके फिर से रिवाइंड कर सकते हैं, या तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ICT को खुद से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ बेसिकली आपको ये चीज़ें तभी समझ आएगी जब आपने ICT को खुद से देखा होगा। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे लोग हैं, वो मेरे को कह रहे थे कि ICT की भाषा थोड़ी समझने में दिक्कत है, उनकी जो लैंग्वेज है। तो मैं बस उसी के लिए, उसी पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, ताकि जो चीज़ें आप ICT से सीख रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें ना रह जाती है, कन्फ्यूजन सी रह जाती है, तो बस वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं ये सारे लेक्चर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर आप टोटली मेरे ऊपर रिलाई करते हैं तो भाई आई एम सॉरी, आपको चैनल को अनसब्सक्राइब करके यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एक्चुअल में ICT से सीख रहे हैं और थोड़े बहुत डाउट्स जो उनके रह जाते हैं या थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है उसको क्लियर करने के लिए ये चीज़ें देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोज़ बेस्ट काम करने वाली है, ठीक है। सो आई होप आपको एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी भी समझ आ गई होगी, बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे ना मैं बात करने वाला हूँ इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है और डीलिंग रेंज क्या होती है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर।